कहाँ बैठे हैं ये, और ये क्या है, पटाखों के पंख लगा दिया है देखो। थंबनेल के लिए मैंने बोली गाइस, अभी पता भी नहीं कि ये वाला थंबनेल लगेंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन गाइस ये देखो हमारे यहाँ पे मोमोज के दीवाने, देखो भाई मैदे के प्योर दीवाने हैं, दे लव ओनली मैदा है राधिका। ये देखो यहाँ पे भी है और वो देखो वहाँ पे भी है, हम नहीं खा रहे भाई। हम तो यहाँ पे पीछे दुकान में कुछ लेने आए थे, लेकिन हमको रास्ते में मोमोज लवर दिख गए। ये चौराया देखो यार, दुल्हन जैसे सजा दिया, ऐसे बोलना चाहिए। छोड़ो ये देखो, दुल्हन जैसे नहीं, ये मिथुन दा जैसे सजाया हुआ है चौराया। सो ऑलराइट गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और दिवाली आने वाली है, जो फिजाओं के अंदर जो दिवाली की एक अलग सी स्मेल, जब कोई त्यौहार आते हैं ना, खासकर दिवाली या फिर जैसे गर्मियों से सर्दियों की तरफ अपन ट्रांजिशन करते हैं ना, माहौल के अंदर बाहर फिजाओं के अंदर एक वो अलग सी खुशबू सी फैलने लग जाती है। तो अभी वो मैं तो महसूस कर पा रहा हूँ, अगर आप लोग भी सेम इस तरह की चीज़ महसूस करते तो नीचे कमेंट करके मुझे बताने में शर्माना मत, बताना। और बताने से याद आया कि भाई मैं कौन से पटाखे मैंने अभी तक परचेज कर लिए। हो सकता है कि शायद इस व्लॉग के बाद थोड़े बहुत उसमें ऐड हो जाएं, वैसे ज्यादा मुझे पटाखे चलाने का शौक नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था ना क्रैकर्स वाला, वो आप लोगों के फायदे के लिए मैंने बनाया है। क्योंकि अगर आप चैनल का नाम लोगे, मेरा नाम लोगे, उस जगह पर जाके पटाखे परचेज करोगे ना, आपको मस्त वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। और उस व्लॉग के अंदर आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि अगर आप जोधपुर से है ना, तो क्वालिटी के पटाखे आपको कहाँ पे मिल सकता है। अगर नहीं देखा ना तो इससे जस्ट पिछला वाला व्लॉग जल्दी से देख लेना, क्योंकि दिवाली आ ही गई है। तो भाई अब दिवाली की साफ सफाई तो पूरी हो गई और अब फाइनल टचेस चल रहे हैं। जैसे कि ये देखो भाई, यहाँ पे ये देखो, ये चल रहे हैं मारने वारने चल रहे हैं भाई। मम्मी ये बना रही है राधिका, ये पहले बना हुआ था उसके ऊपर फेंक देते हैं वापस रंग, तो अब राधिका इसको बना रही है और इस पे कलर कर रही है। और दादी साहब इधर उधर घूम रहे हैं, तो मैंने स्टूल रख दिया उधर। और अभी नहीं, एक्चुअली क्या है कि मम्मी ने ये पहले यहाँ पे पैटर्न बना रखे, पहले मम्मी बनाती थी, लेकिन अब क्या है कि पाँव में दर्द रहता है तो नीचे नहीं बैठा जाता है, सबसे मेन मुद्दा यही हो जाता है। तो ये देखो भाई, मांडना यहाँ पे बना हुआ है और एक ध्यान से भाई पाँव ना रख दो, और एक ये एंट्रेंस पे ये देखो ये भी बना हुआ है। और अब पता नहीं और कहाँ कहाँ बनाएंगे, मुझे ध्यान से चलना चाहिए, पता पड़ा व्लॉग के चक्कर में मैंने इस पे पाँव रख दिया। और भाई ये वो डब्बा है, मुझे लग रहा है इसको मैं ही, मतलब मेरे से ही खतरा है इस रंगोली को। इसके अंदर क्या है कि हमने लाइट्स वगैरह निकाल ली है, वैसे ये देखो ये पूरा दिए वगैरह के चेक कर रहे हैं ऊपर लगाने के लिए, और इसमें से सॉर्ट आउट वैसे हमने कर लिए। अब उनमें से कुछ तो चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रही है लाइट्स, और जो चल रही है ना वो हमने सॉर्ट आउट कर लिए। हमने तो क्या कह रही है, पापा ने सॉर्ट आउट करी है। अभी ये ना कुछ और लानी है तो वो भी ले आएंगे, कुछ ये कैंडल टाइप की है, कुछ ये रोल्स हैं नीचे गमलों में लगाएंगे तो बिल्कुल माहौल बन जाएगा। और लाइट जलती है ना, पूरे घर को सजाया जाता है ना, तो बहुत तगड़ा वाला सीन होता है। चलो मैं चलो अभी दिखा देता हूँ तुमको पटाखे, मतलब अभी हाल फिलहाल मैंने कौन से लेके आया हूँ, कौन से चलाने वाला हूँ, उसमें अगर कुछ और जुड़ जाएंगे तो अगले ब्लॉग में बता दूंगा। तो भाई पटाखे दिखाने से पहले देख लेता हूँ, यहाँ पे पेंटर बाबू है मेरे पीछे। हेलो पेंटर बाबू, पेंटिंग करते हुए। चलो फटाफट से बता देता हूँ कि भाई कौन से पटाखे फिलहाल है। भाई थैला उठा लिया हाथ में और नीचे चल के और पूरे खोल के बताता हूँ, ऐसा समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क्या है इसमें। ये है तुम्हारे भाई का छोटा सा दिवाली स्टैश, छोटा सा इसलिए क्योंकि ज़्यादा मुझे शौक नहीं है, लेकिन क्या रहता है पूजा करने का एज अ शगुन हम इसको चलाने वाले हैं। ये पीछे जितने भी देख रहे हो ना, पीछे छोड़ो बस ये दो, एक दो पैकेट को छोड़ के बाकी सब एरियल शॉट्स हैं, काफ़ी प्रीमियम पटाखे हैं, इनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है। तो ये जितने भी आप देखते हो ये रॉकेट्स हैं, जैसे ये इसी तरीके से ऊपर जाके फटते हैं, जैसे कि ऊपर इसमें फोटो में दिखा रखा है, अभी तो खैर चला के दिखा नहीं सकता। और ये कुछ फुलझड़ी है, ये भी पाइप्स हैं जो कि रखते हैं, ये इसमें दिख नहीं रहे हैं अभी, शायद पैक ही पड़ा हुआ है। ये इस तरीके के तीन पाइप्स हैं, तीन ही इसी में हैं। और ये एक चीज़ है भाई, ये घातक, ये सिर्फ पूरा जो एक है ना ये अनार है, ये कुछ स्काई शॉट नहीं है, ये अनार है। और बाकी जितने भी हैं ये सारे एरियल है, सारे स्काई शॉट्स ही हैं। वो रॉकेट्स हैं, वो भी कुछ जाके कारनामे में करते हैं, बाकी ये दोनों स्काई शॉट्स हैं, वो भाई बीच में अनार है। और कुछ ऐड हो गया तो हो गया, नहीं तो इन्हीं को जला डालेंगे। कहाँ बैठे हैं ये, और ये क्या है, पटाखों के पंख लगा दिया है देखो। थंबनेल के लिए मैंने बोली गाइस, अभी पता भी नहीं कि ये वाला थंबनेल लगेंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड कर रही है ये। पटाखों के पंख हो गए हैं आपके,
आगे पीछे सब पटाके ही पटाके हैं आपके। पोजीशन में हूँ मैं, रिकॉर्डिंग बंद करके एक एक हटाओ यार ये डब्बा। गाइस ये देख लो भाई, पेंटिंग को दे दी है अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली प्रोटेक्शन। इसके ऊपर कोई पाव नहीं रख सकता है, बस ठोकर खा सकता है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करने। शॉपिंग, दिवाली शॉपिंग, कुछ छोटी मोटी चीजें। तो गाइस ये मधुर संगीत है लिफ्ट के अंदर का, और अभी आए हैं हम फिलहाल कुछ शॉपिंग करने के। तो अभी फिलहाल हशकिन में आ गए हैं और मम्मी चीज़ें ले रही है यहाँ पे से, और ट्रॉली में अभी हम क्या है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी खाते हैं हम, तो हमने सिर्फ अभी तले गुले ही लिए हैं यहाँ पे। हेल्थ कॉन्शियस है ना, बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फ्राइड चीज़ें ही खा रहे हैं अभी। आपने आज तक चॉकलेट तो बहुत खाई होगी, आज हम ले रहे हैं चॉकलेट। चॉकलेट क्या मम्मी कैसे बोलते? ऑलरेडी गाइस नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे की भी मॉर्निंग है, क्योंकि जब आपने मेरे को मार्केट में देखा उसके बाद घर आया, शाम की चाय पी और फिर पापा के हेल्प करवा रहा था मैं ऊपर लाइट वगैरह सेटअप कराने में, तो उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग किया नहीं था। और अब दिवाली जस्ट आ ही गई है, तो मैंने अपना दिवाली का आपको स्टैश भी दिखा दिया। इतना बड़ा नहीं है क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड आजकल हूँ नहीं पटाखे वटाखे फोड़ने में। पहले दो दो बोरियाँ भर के पटाखे लाया करता था, उसके बाद उसकी दुकान जमाता था। जब तक दिवाली का दिन नहीं आता था दुकान लगाता था, वापस समेटता था, फिर लगाता था, वापस समेटता था। लेकिन अब इतना क्रेज रहा नहीं है, तो जितने भी थे यही है। और बाकी जब फूटेंगे, जब क्रैकर्स बर्न करेंगे तब आपको दिखाएंगे। आप लोग भी जम के क्रैकर्स बर्न करिए, दिवाली एक ही दिन आती है। और मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे संदेश देते हैं कि भाई पॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो नॉर्मल दिनों में दिवाली से भी ज़्यादा है। त्यौहार का मज़ा त्यौहार की तरह ही लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, बाकी है आपकी सोच और समझ। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। सुबह सुबह गला बैठा बैठा सा हो गया। और हाँ, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।